हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा छठी के लिए मैथ के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखना, और साथ ही मेरे साथ सोल्व करते जाना और बताना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन ठीक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, गिवन 154 × 18 इज इक्वल टू 2772, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 27.72 डिवाइड बाय 1.8। दोस्तों आपको दिया हुआ है 154 × 18 बराबर 2772 के इक्वल है। आपको बताना क्या है कि 27.72 भाग 1.8 किसके बराबर होगा। तो करिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों, जो ये लिखा हुआ है 154 × 18 इज इक्वल टू 2772, इसे हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? इसे हम लिख सकते हैं 2772 भाग में 18 और बराबर लिख सकते हैं दोस्तों 154। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, जो निकालना है 27.72 को दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं? 27.72 को अगर हम यहाँ पे 27.72 था, यहाँ पे दशमलव था दोस्तों, अगर हम दशमलव को हटाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा दोस्तों 100, क्योंकि दशमलव के बाद दो जो अक्षर दिए हैं, दो डिजिट हैं, तो 1 के बाद 2 जीरो आ जाएंगे। डिवाइड में दोस्तों, डिवाइड में 1.8 है, और 1.8 को हम लिख सकते हैं 18/10। अब दोस्तों, जब हम इसको साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 18/10 लिखा है, 18/10 का बन जाएगा 10/18, तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 10/18। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे हम 10/18। अब दोस्तों, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बचा 2772 × 1/10 × 18। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि 2772/18 इक्वल होता है 154 के, यानी 2772/18 154 के बराबर है। अब 2772/18 ये तो हो जाएगा दोस्तों 154 के बराबर, लेकिन जो 10 भी आया हुआ है, यानी हमारे पास बनेगा 2772/18 × 10 था, और आपको पता है कि 2772/18 तो 154 के बराबर होता है, लेकिन बटे में 10 भी आया हुआ है एक्स्ट्रा, तो बटे 10 ये हो जाएगा दोस्तों इसके नाम, जो जब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 15.4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 15.4। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। इफ़ द टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल आर 5 cm and 12 cm, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल इज। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों। इसमें एक साइड इसकी 5 cm दी हुई है, और एक दी हुई है 12 cm। इसका दोस्तों पेरीमीटर निकालना है। सबसे पहले हम इसकी थर्ड साइड निकाल लेंगे दोस्तों। अगर आपको ध्यान में हो तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक फॉर्मूला होता है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज होती है, इसका जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों स्क्वायर्स के इक्वल होता है। अब दोस्तों 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 12 का स्क्वायर होता है 25, और 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी 144। जब हम इसे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 169, और आपको पता है दोस्तों 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। तो इसका मतलब दोस्तों जो थर्ड साइड है हमारी वो कितनी आ गई? 13। अब दोस्तों हमें पेरीमीटर निकालना है, और पेरीमीटर क्या होता है? सभी साइड्स का सम। तो 5 + 12 + 13 इनको ऐड कर देंगे। 5 + 12 होता है दोस्तों 17, और 17 + 13 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 30। तो 30 इसका पेरीमीटर आ गया दोस्तों। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने एक और बहुत ही इजी क्वेश्चन। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, हमारे पास आ जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वेयर। उसके बाद 196 की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 25 के साथ,
तो 196 इंटू 25 हो जाएगा। अब दोस्तों जब हम स्क्वेयर को हटाएंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, स्क्वेयर रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। और आपको पता है दोस्तों 196 और 25, 196 का वर्गमूल होता है 14 और 25 का जो वर्गमूल यानी स्क्वेयर रूट होता है वो होता है 5। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 14 गुना 5, 14 इंटू 5, जो कि होता है दोस्तों 14 पंजे 70, यानी 14 5 जा 70। तो एक्स की वैल्यू दोस्तों 70 आ गई, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ, और ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फोर है, ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 16 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, एनुअल रेट विल बी डैश। यानी दोस्तों कोई अमाउंट दी, कोई मनी दी, वो 16 साल बाद डबल हो जाती है, यानी कि जितनी जमा करवाई थी उसका उतना ही इंटरेस्ट लगा और वो डबल हो गई। तो बताना है कि रेट क्या होगा, एनुअल रेट बतानी है। दोस्तों जब भी कोई मनी डबल होती है तो रेट और टाइम का प्रोडक्ट 100 के इक्वल होता है, ये आपको याद रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन आगे भी आ सकता है तो आपको याद रखना है। अब आपको टाइम दिया हुआ है 16 ईयर्स, तो रेट निकालना है। रेट की वैल्यू दोस्तों, रेट हो जाएगा 100/t, रेट आ जाएगा दोस्तों 100/t। अब 100/t, टी की वैल्यू दोस्तों 16 है तो 100/16 हो जाएगा। 4 से काट देंगे दोस्तों, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, तो ये आ गया दोस्तों 25/4, 25/4, जो कि किसके इक्वल होता है दोस्तों, जो कि होता है 6 and 1/4, 6 and 1/4 के इक्वल होता है। तो 6 and 1/4% इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये रहा दोस्तों आपके सामने। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन दिया हुआ है दोस्तों आपको, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले दोस्तों जो ये 349 है इसे हम लिख देंगे 350, इसे हम क्या लिख देंगे 350, अप्रोक्स लिखना है। 51 को हम दोस्तों अप्रोक्स में लिख देंगे 50 को भी हम 50 लिख देंगे। प्लस में दोस्तों, प्लस में क्या दिया हुआ है, 632 को दोस्तों हम 630 लिख देंगे अप्रोक्स करके, और डिवाइड में 31 है तो इसे हम 30 लिख देंगे। तो दोस्तों जब हम 35 यानी 350 की 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा, सबसे पहले तो डबल जीरो आ जाएगी, और फिर 5 5 जा होता है दोस्तों 25, ऊपर 2 आ जाएगा कैरी, 5 3 जा 15 और 2 17, तो ये बनेगा दोस्तों 7500। प्लस में दोस्तों जब 63 0 यानी कि 630 की 30 30 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगी, और 3 के साथ करेंगे 3 2 जा 6 3 1 जा 3 आ जाएगा। जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17521। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 17521। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स, और ये रहा क्वेश्चन नंबर सिक्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इन ए स्कूल 3/5 ऑफ चिल्ड्रन आर बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 800, द नंबर ऑफ बॉयज इज डैश। दोस्तों मान लो सबसे पहले एक्स जो है टोटल स्ट्रेंथ है स्कूल की बॉयज और गर्ल्स मिला के, आपको कहा है कि 3/5 तो लड़के हैं जो टोटल चिल्ड्रन है उनमें से। अब 3/5 क्या है दोस्तों, लड़के, यानी कि 3/5 ऑफ एक्स, जो 3/5 ऑफ एक्स है वो हमारे पास आ जाएगा बॉयज, तो 3/5 बॉयज है दोस्तों, तो बाकी कितना रह गया, 2/5 रह गया, तो 2/5x क्या हो जाएगी हमारे पास, गर्ल्स, और जो कि किसके इक्वल दी हुई है दोस्तों 800 के, तो 2/5x इज इक्वल टू 800 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से दोस्तों हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू आएगी दोस्तों 800 इंटू जो ये 2/5 था दोस्तों, उस साइड जाके 5/2 हो जाएगा, इसे कट कर देंगे, 2 4 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी कि दोस्तों x की वैल्यू आ गई 2000। अब दोस्तों ये x की वैल्यू आई है 2000, यानी टोटल स्टूडेंट की वैल्यू आ गई। अब बॉयज कितनी है, 3/5, तो हमें x का 3/5 करना पड़ेगा, यानी 2000 का 3/5 करना पड़ेगा। अब दोस्तों 3/5 ऑफ x करेंगे तो 3/5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास आई दोस्तों 2000। अब दोस्तों 5 1 जा 5, 5 4 जा 50, तो 400 गुना 3 आ गया दोस्तों, जो कि होता है 1200 के बराबर, 1200,
तो ऑप्शन जो सी है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्रिकेटर हैज एन एवरेज ऑफ 28 रन्स इन 24 इनिंग्स, हाउ मेनी रन्स मस्ट ही स्कोर इन द 25th इनिंग टू मेक हिज एवरेज 29। दोस्तों हिंदी में समझाता हूँ, एक जो क्रिकेटर है उसने 24 पारियों में जो उसका एवरेज है औसत है वो 28 रन है, तो 25वीं पारी में उसे कितना स्कोर करना पड़ेगा, कितने रन बनाने पड़ेंगे ताकि उसका टोटल एवरेज 29 हो जाए। दोस्तों सबसे पहले देखो जो 25th इनिंग यानी 25 इनिंग्स का जो उसका एवरेज है वो 29 होना चाहिए, और आपको पता है दोस्तों एवरेज किसके इक्वल होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज बटे नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यानी अगर हमें सम निकालना है 25th इनिंग्स का तो नंबर को हम इसके एवरेज से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज से नंबर ऑफ जो मतलब डाटा है नंबर ऑफ क्वांटिटीज है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ क्वांटिटीज आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एवरेज 29 दिया हुआ है और नंबर है 25, नंबर है 25, तो हमारे पास सम आ जाएगा 25 इनिंग्स का, सम ऑफ 25 इनिंग्स आ जाएगा 29 × 25। अब दोस्तों जो 24 इनिंग्स हैं उसका भी हम सम निकाल लेंगे, उनमें एवरेज तो 28 था दोस्तों और टोटल जो इनिंग्स हैं वो 24 है, तो ये आ गया दोस्तों सम ऑफ 24 इनिंग्स। अब दोस्तों 25 पारियों का जो जोड़ है इतना है, 24 पारियों का जोड़ इतना है, अगर हमें 25वीं पारी का निकालना है यानी 1 से 24 तक इतना सम है और 1 से 25 तक इतना सम है, तो जब हम 1 से 25 में से 1 से 24 का सम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो 25th में रन बनाए हैं वो आ जाएगा। अब दोस्तों 29 को हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए सबसे पहले 29 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखो दोस्तों 29 × 25, 5 9 = 45 आ जाएगा दोस्तों, 5 2 = 10 और 4 = 14 आ जाएगा, ऐसे ही 2 9 = 18, 2 2 = 4 और 1 = 5, तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों आप देख सकते हो 725 आ गया। अब दोस्तों 28 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से, तो 28 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 = 32 दोस्तों और 4 2 = 8 + 3 = 11 आ जाएगा, 2 8 = 16 हासिल गया 1 और 2 2 = 4 और 1 5 आ जाएगा दोस्तों, तो ये बनेगा दोस्तों 276। अब दोस्तों 725 में से 672 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 5 - 2 = 3 और यहाँ पे 12 बनेगा, तो 12 में से 7 माइनस करेंगे 5 यानी 53 आ जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन डी 53 है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, इमेज लास्ट फॉर हाफ एन आवर, 1/10 ऑफ द मैच इज टेकन अप फॉर टाइम आउट, फॉर हाउ मैनी मिनट्स डज द टाइम आउट लास्ट। दोस्तों एक मैच है जो आधा घंटा चला, उस मैच के 1/10 टाइम में जो है वो टाइम आउट था, यानी 1/10 भाग क्या था मैच का, टाइम आउट था, तो टाइम आउट बताना है कितने टाइम का था यानी कितने मिनट का था। तो सबसे पहले दोस्तों 30 मिनट का मैच था और 1/10 है जो इसका वो टाइम आउट के लिए लिया गया, यानी कि 30 मिनट का हमें 1/10 करना है, तो 30 मिनट का 1/10 करेंगे, 3 से 0 कैंसिल और 3 1 = 3 मिनट आ जाएगा। दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो 3 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, ए बायज ए रेडियो एट 3/4 ऑफ इट्स मार्क प्राइस एंड सेल्स इट 20% मोर देन इट्स मार्क प्राइस, व्हाट इज इट्स गेन परसेंटेज। दोस्तों समझना इस क्वेश्चन को ध्यान से, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले दोस्तों हम मार्क प्राइस को एक्स मान लेंगे, मान लो मार्क प्राइस क्या है, एक्स है। अब ए ने रेडियो को 3/4 ऑफ इट्स मार्क प्राइस यानी मार्क प्राइस के 3/4 में से खरीदा। अब जिस मूल्य में, जिस प्राइस में खरीदते हैं दोस्तों उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं।
तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/4 ऑफ मार्क प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस तो एक्स है, तो 3x/4 को हो जाएगा कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। अब दोस्तों एंड सेल्स इट 20% मोर देन इट्स मार्क प्राइस, और इसे मार्क प्राइस से 20% ज़्यादा में बेचा गया, जिस प्राइस में बेचा जाता है दोस्तों उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। अब 120/100 यानी 20% ज़्यादा है तो हम 120/100 करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब किसी चीज़ को ज़्यादा मतलब ज़्यादा में बेचते हैं यानी प्रॉफिट होता है तो 100 प्लस लिखते हैं, और जब उसे कम में बेचते हैं माइनस होता है तो 100 माइनस करते हैं, तो 120/100 गुना एक्स आ जाएगा। अगर इसे कट करेंगे तो जीरो के साथ जीरो, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, तो ये आएगा दोस्तों 6/5x। अब हमारे पास दोस्तों कॉस्ट प्राइस भी आ गया और सेलिंग प्राइस भी आ गया, हमें निकालना है गेन परसेंटेज, और गेन परसेंटेज का फॉर्मूला दोस्तों आपको पता है, गेन बाय सीपी इनटू 100। तो सबसे पहले हम गेन निकाल लेंगे दोस्तों, गेन होता है दोस्तों एसपी माइनस सीपी, तो एसपी माइनस सीपी यहां से निकाल लेंगे, एसपी है दोस्तों 6x/5 और सीपी है दोस्तों 3x/4। तो सबसे पहले दोस्तों इनका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा दोस्तों 4 5 जा 20, एलसीएम आ गया 20, यहाँ पे 4 6 जा 24 आएगा दोस्तों, 4 6 जा 24 माइनस 5 3 जा 15 आएगा, तो 5 3 जा 15 डिवाइड में था दोस्तों 20, तो ये बनेगा दोस्तों 9/20, और x भी है दोस्तों यहाँ पे साथ में, ये भी याद रखना x भी है साथ में, तो 9x/20 आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों गेन आ गया 9x/20। अब हमें निकालना है गेन परसेंटेज, तो 9x/20 गेन आ गया, बाय सीपी करेंगे, और सीपी था दोस्तों हमारा 3x/4, इंटू कर देंगे दोस्तों 100, तो हमारे पास गेन परसेंटेज आ जाएगा। अब 4 1 जा 4 और दोस्तों 4 5 जा 20 होता है, एक्स के साथ एक्स कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 यानी 3/5 इंटू 100 आ गया दोस्तों। अब 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10 और 0, यानी अब बचा हमारे पास 3 इंटू 20, 3 इंटू 20 दोस्तों होता है 60 के इक्वल, तो 60% जो है गेन परसेंट आ जाएगा, ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा दोस्तों आपके सामने, बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। एन आर्टिकल इज परचेज्ड फॉर 7500 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 8400 रुपीज, द प्रॉफिट परसेंटेज इज, दोस्तों एक आर्टिकल को 7500 रुपये में खरीदा गया यानी सीपी दे रखा है 7500 रुपये, और उसे 8400 रुपये में बेचा गया यानी एसपी विक्रय मूल्य है 8400 रुपये। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, गेन परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो हमारे पास दोस्तों प्रॉफिट आ जाएगा 0 0, 14 में से 5 माइनस करेंगे 9, प्रॉफिट आ गया दोस्तों 900। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज ये की बात होती है इसका फॉर्मूला बताया था, तो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं गेन यानी प्रॉफिट, नीचे लिखते हैं सीपी, सीपी है हमारा 7500 और इनटू कर देंगे दोस्तों 100। अब 2 0 के साथ 2 0 काट देंगे, 25 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो 3 इंटू 4 यानी 12%, तो 12% दोस्तों क्या आ गया, गेन परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंट आ गया, तो 12% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, बहुत ईजी क्वेश्चन दोस्तों। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, बताइए दोस्तों पहले 4 प्राइम नंबर्स का सम क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स होते हैं दोस्तों 2 3 5 एंड 7। अब आपको इनका क्या करना है दोस्तों, सम करना है यानी इन्हें जोड़ना है, तो 2 और 3 प्लस करेंगे 5 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 7 17, तो ऑप्शन डी दोस्तों 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन
आसान भी होते हैं, कुछ मॉडरेट भी होते हैं और एक दो क्वेश्चन मुश्किल भी आ सकता है। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा दोस्तों। आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझनी है, क्या पूछा गया है, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों। सिंप्लीफाई करना है, 3 ब्रैकेट में है 13+6 × 7 डिवाइड बाय 11 × 3 −12 − 4 × 2। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपको बोर्ड मास रूल याद है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। अब 3 ब्रैकेट है दोस्तों, अब ब्रैकेट के अंदर भी हमें बोर्ड मास लगाना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस करते हैं। तो अगर हम इसे देखें, इस ब्रैकेट को देखें, 13+6 × 7 13+6 × 7 तो यहाँ पे देखो दोस्तों 3 × 13+6 × 7 को हम ओपन कर लेंगे, 6 × 7 होता है दोस्तों 42। अब दोस्तों आगे है डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड लिख देंगे, 11 × 3 होता है दोस्तों 33, तो ये आ जाएगा 33 −12 − 4 × 2 कितना होता है दोस्तों 8। तो सबसे पहले हम यहाँ तक इसे सॉल्व कर लेंगे। अब दोस्तों 13+42 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 × 55। अब डिवाइड में दोस्तों 33 है तो डिवाइड में हम लिख देंगे 33 माइनस दोस्तों 12 − 8 जो कि होता है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 4। अब दोस्तों इसे डिवाइड कर देंगे 11 से, 11 × 3 = 33 11 × 5 = 55 3 के साथ 3 कैंसिल, हमारे पास बचा 5 − 4 जो कि इक्वल होता है 1 के। तो ऑप्शन बी दोस्तों 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 270 and 426 लीविंग 6 एज रिमाइंडर इन ईच केस इज। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन में कहा गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 270 और 426 को भाग कर देगी लेकिन 6 रिमाइंडर बचेगा। यानी दोस्तों पूरी भाग नहीं कर रही है वो संख्या, 6 रिमाइंडर बच रहा है। अगर दोस्तों 270 और 426 कोई संख्या इसे भाग करने पर 6 रिमाइंडर बचा रही है, यानी 6 शेषफल बच रहा है। अगर हम इन दोनों संख्याओं में से 6 को माइनस कर देंगे तो इसमें से 6 को माइनस करेंगे दोस्तों 264 आ जाएगा, और इसमें से 6 को माइनस करेंगे 2420 आ जाएगा। यानी दोस्तों इसमें 6 रिमाइंडर बच रहा था दोनों में, अगर हमने 6 ही माइनस कर दिया तो इसका मतलब जो नई संख्या आई है 264 और 420, 264 और 420, ये संख्या उस नंबर से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों अब वो ग्रेटेस्ट नंबर जो किसी भी नंबर को पूरा डिवाइड कर देता है वो उस नंबर का एचसीएफ होता है। यानी हमें इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है दोस्तों। तो चलो इसका एचसीएफ निकालते हैं, 264 और 420। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 264 और दूसरा था दोस्तों 420। हमें एचसीएफ निकालना है दोस्तों, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 2 1 = 2 2 3 = 6 2 2 = 4 ऐसे दोस्तों 2 6 = 12 2 6 = 12 2 3 = 6 2 3 = 6 फिर 3 से डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा, और फिर 11 से डिवाइड कर देंगे तो इसके फैक्टर बने 2 2 2 3 11। अब इसकी भी दोस्तों फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो सबसे पहले 2 2 = 4 2 1 = 2 और 0 फिर दोस्तों 3 3 7 = वैसे 2 पे भी कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों 5 5 पे काट देते हैं इसे, 5 5 1 = 5 और 5 4 = ये आ जाएगा, फिर 2 7 = 14 और 7 1 = 7 तो इसके बने दोस्तों 2 3 5 2 और 7। अब इसमें कॉमन कौन कौन से हैं दोस्तों, सबसे पहले तो 2, ये दोस्तों कॉमन है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 1 और 2 है जो इसमें कॉमन आया हुआ है, तो 1 और 2 लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 3 भी कॉमन आया हुआ है, 3 लिख देंगे दोस्तों। यानी 2 × 2 × 3 2 2 = 4 और 4 3 = 12 तो 12 है दोस्तों वो संख्या है जो इन दोनों को पूरी डिवाइड कर देगी। तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने।
द नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ऑल थ्री नंबर्स 4, 8, 6. विच नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ऑल थ्री नंबर 4, 8 and 6. यानी आपको बताना है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा नंबर 4, 8 और 6 इन तीनों का मल्टीपल है, यानी इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा. अब दोस्तों, अगर कोई नंबर 4, 8 और 6 इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, यानी वो इनके एलसीएम से भी डिवाइड होगा, तो सबसे पहले हम 4, 8 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे. तो 4, 8 और 6 का एलसीएम आपको निकालना आता ही है दोस्तों, 2, 2 जा 4, 2, 4 जा 8, 2, 3 जा 6. ऐसे ही दोस्तों दोबारा से 2, 1 जा 2, 2, 2 जा 4 और 3. अब दोबारा से दोस्तों 2, 1 जा 2 और 3 का 3 आ जाएगा. अब 3 से कैंसिल हो जाएगा सब. तो इसका जो एलसीएम बनेगा दोस्तों, 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 4, 4 × 8, 8 या 24. तो इसका जो एलसीएम आ गया दोस्तों वो 24 आ गया. अब दोस्तों, अगर कोई नंबर इन तीनों नंबर से मल्टीपल है, इनका डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो 24 से डिवाइड होना चाहिए. अब दोस्तों, वैसे इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है, लेकिन अब आपको जो मैं तरीका करवा रहा हूँ पहले वो समझ लो. अब हमें ये देखना है कि इन चारों में से कौन सा नंबर है जो 24 से डिवाइड हो जाएगा. तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो 396 है, 696 है, 662 है, 5432 है, डिवाइड करके देख लेना कि कौन सा नंबर इससे डिवाइड हो जाएगा 24 से, तो वो आपका आंसर आ जाएगा. अब दूसरा तरीका ये है दोस्तों, अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड हो रहा है. अब 4 से तभी डिवाइड होगा अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हैं. अब इन चारों नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, आपको दिख रहा है. अब 6 है, 6 से वही नंबर डिवाइड होता है जो 2 और 3 से डिवाइड हो. अब 2 से तो सभी नंबर डिवाइड हैं, 3 से चेक करना है. 3 से कैसे चेक करते हैं, जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए. तो पहले में भी 3 से डिवाइड है, तीसरे में भी 3 से डिवाइड है, और जो बी इसमें नहीं है 3 से डिवाइड, क्योंकि जो सम है 6 और 6 12 और 4 16 बन रहा है. ऑप्शन डी में दोस्तों 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14, इसमें भी नहीं होगा. यानी जो आंसर है वो पहले और तीसरे में है. अब आपको सभी नंबर 24 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इन्हीं दो नंबर को 24 से डिवाइड करना है. और दोस्तों, इनमें से पहला नंबर तो 24 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन दूसरा नंबर 24 से डिवाइड हो जाएगा, 696. तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा. आप देख सकते हो दोस्तों, इसे डिवाइड करके 696 को 24 से डिवाइड कर सकते हो. तो सबसे पहले 24 × 2 = 48 होता है दोस्तों, तो 2 पे ये कट जाएगा. अब 696 को जब डिवाइड करेंगे तो 48 आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे बचेगा 1 और 2, यानी 216 बच जाएगा दोस्तों. दोस्तों, जब हम 24 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 × 4 = 36, 3 आ गया, 9 × 2 = 18, और 18 और 3 होता है 216. तो ये इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा दोस्तों. तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 696. उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा. आप थोड़ा हाँ बैक करके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा. सबसे पहले एलसीएम निकालना है, फिर आपको थोड़ा हाँ हिंट लगाना है ऐसे भी कि कौन सा इसका आंसर हो सकता है. आपके पास ए और सी आएगा. अब इन दोनों में से आपको 24 से डिवाइड करके देख लेना है कोई भी एक नंबर. अगर वो हो गया तो वही आंसर है, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब दूसरा आंसर है, करने की जरूरत नहीं है. अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने. ए ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एट 8:15 AM एंड रीच्ड अजमेर एट 2:30 PM. द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच अजमेर फ्रॉम दिल्ली इज. यानी दोस्तों, कोई ट्रेन 8:15 पे चली और 2:30 पे पहुंच गई, तो टोटल कितना टाइम लिया. अब दोस्तों, आप सीधे भी गिन सकते हो 8 से 9, 10, 11, 12 ऐसे करके, या फिर 2:30 को दोस्तों हम 24 आवर वाला जो टाइम है उसमें कन्वर्ट कर लेंगे. अब जैसे दोस्तों 12 के बाद 13 आता है जिसे हम 1 कहते हैं, 14 आता है उसे हम 2 कहते हैं. तो 2:30 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 14:30 लिख सकते हैं, 14:30 लिख सकते हैं, 14:30 लिख सकते हैं. अब 14:30 पे पहुंची और 8:15 पे चली थी ट्रेन, तो 14:30 पे पहुंची, 8:15 पे चली थी, टाइम बताना है कितना लगा. तो 14:30 में से 8:50 को माइनस कर देंगे. तो दोस्तों 14:30 में से 8:50 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा
अब 30 में से 15 माइनस करेंगे तो 15 ही आ जाएगा, और 14 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी 6 आवर 6 घंटे और 15 मिनट, 6 घंटे 15 मिनट ऑप्शन बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। आपको कहा है कि 12 एंड 1/16 को डेसिमल में बदलना है। दोस्तों आपको पता होगा कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 + 1/16। अब 1/16 को करके देख लो दोस्तों क्या आंसर आएगा। जब हम 1 को 16 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद 0 रखेंगे तो एक कटेगा नहीं, तो एक 0 यहाँ पे आ जाएगी। फिर यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 16 × 96, यानी 16 × 6 = 96, यहाँ पे 4 आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों ये 2 पे कटेगा, 16 × 2 = 32, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 8। अब 80 बन गया दोस्तों, और 18 होगा दोस्तों 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80, तो ये कम्प्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो 1/16 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 0.062, यानी कि 12 + 0.0625 आएगी। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.0625, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। ऑन सिंपलीफिकेशन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 3.003 × 15 + 0.0123 + 5.002575 इज। दोस्तों अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले 3.003 को हम 3 लिख देंगे क्योंकि अप्रोक्सीमेट निकालनी है, इनटू में 15 है दोस्तों, प्लस में अब 0.0123 को तो 0 ही लिख देंगे दोस्तों, उसके बाद 5.00 इसको 5 लिख देंगे। अब 15 × 3 जा दोस्तों होता है 45, और 0 + 5 हो जाएगा 5, 45 + 5 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 15। तो क्वेश्चन नंबर 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50। तो अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। क्वेश्चन है दोस्तों द सम ऑफ 7.7, 7.07, 7.007 एंड 77.0077, इनका सम करना है दोस्तों, ये जोड़ने हैं। तो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं लिखना, 77.0077, उससे पहले है 7. ये रहा दोस्तों 007, और अगर पीछे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। फिर है दोस्तों 7.07, तो 7.07 पीछे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। फिर है दोस्तों 7.7, पीछे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। तो अब इनको हमें प्लस करना है, सम करना है, इनका ऐड करना है। तो 7 0 आ जाएगा, 7007 आ जाएगा, 7 और 7 = 14 होता है दोस्तों, 7 और 1 = 8 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा दोस्तों। अब 7 × 4 = 28 होता है तो 2 कैरी आ जाएगा, और 2 और 7 = 9 आ जाएगा दोस्तों, यानी 98.7847, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों द डिफरेंस बिटवीन 6 digit स्मॉलेस्ट नंबर एंड 4 digit ग्रेटेस्ट नंबर इज डैश। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, 6 digit 6 अंकों का सबसे छोटा नंबर और 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर, उनका डिफरेंस करना है। तो 6 अंकों का सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर होता है 1000, यानी 1 + 5 = 0 लगा देंगे। 4 digit का सबसे बड़ा नंबर होता है 4 × 9 लिख देंगे, 4। अब इनका डिफरेंस करना है, डिफरेंस होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करना। अब 10 − 9 = 1, 9 − 9 = 0, 9 − 9 = 0, 9 − 9 = 9 आ जाएगा, यानी आपके पास आ जाएगा दोस्तों 90001, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों न्यूमरल फॉर 2,02,000 इज, यानी 2,02,000 को नंबर में कैसे लिखेंगे ये बताना है दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपने खुद करना है और कमेंट में सबसे पहले आंसर बताना है, देखते हैं आप में से सबसे पहले आंसर कौन बताएगा बिल्कुल सही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।